हरियाणा में सरकारी भर्ती को लेकर युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 60,000 सरकारी भर्तियां 2023 तक पूरी करने के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस ने विधानसभा से पहले ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया और उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 60,000 सरकारी भर्ती पूरी करने का उनका संकल्प याद दिलवाने के लिए उनका डेलीगेशन पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक 60,000 सरकारी भर्तियां नहीं हो जाती। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद है। सरकारी भर्ती पूरी करो। सरकारी भर्ती पूरी करो।